देखो भाई क्या बोल रहा है, ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। कोई मोटर बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकती है और 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, कितने देर में? 7 आवर में। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर, और वापस आ जाती है, यानी 21 ही आती है इन 7 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हमें क्या बोल रहा है, दोनों की स्पीड बतानी है, किस किस की, बोट की स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की भी। ठीक है, देखो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस देखो, पहले हम कुछ मान लेते हैं, क्या माने, जो हमारे से पूछा जाता है। तो स्पीड पूछी गई है स्ट्रीम की और बोट की, तो हम स्ट्रीम की और बोट की स्पीड मान लेते हैं। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, और स्पीड स्ट्रीम की कितनी मान लेते हैं हम, वाई मान लेते हैं। ठीक है, और उसकी क्या बोलते हैं, मोटर की एक्स मान लेते हैं। अब देखो इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है, जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं, अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है, जिस साइड में पानी बह रहा है उसे उल्टी साइड में चलना, जैसे पानी इधर बह रहा है तो इस साइड में चलना, इस साइड में वाटर और इस साइड में बोट, तो इसमें नेगेटिव हो जाती है, यानी बोट की जो स्पीड है, ठीक है ना, बोट की स्पीड क्या हो जाएगी एक्स, और स्ट्रीम की उसमें से माइनस कर देंगे। ये होता है अपस्ट्रीम में। फिर डाउनस्ट्रीम में अब बोट भी उसी साइड में जा रही है, वो भी तो सहयोग करेगी, यानी एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो देखो केस फर्स्ट में क्या हो रहा है, मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, पहले अपस्ट्रीम की 30 किलोमीटर, तो हमने मान ली 30। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी होगी एक्स माइनस वाई, अपस्ट्रीम में एक्स माइनस वाई, प्लस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का इकट्ठा टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और अब डाउनस्ट्रीम कितने किलोमीटर आया, 29 किलोमीटर, किस स्पीड से, एक्स प्लस वाई स्पीड से, क्योंकि दोनों की स्पीड एक साथ थी। दोनों में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा क्वेश्चन में, देखो भाई 7 आवर्स। ठीक है, तो दोनों में कितना लगा, 7 आवर, हमने 7 लिख दिया। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, यहां से हम इक्वेशन बना लेंगे। फिर दूसरी कंडीशन देखो भाई, दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, 21 किलोमीटर तो डाउनस्ट्रीम और 21 किलोमीटर वापस से, यानी एक्स प्लस वाई, इसमें कितना टाइम लगा, 5 आवर। ये होगी सेकेंड टर्म। इतना समझ में आया, अगर इक्वेशन समझ में आ गई तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखो हम पुट करते हैं, लेट पुट 1 upon x minus y = a एंड 1 upon x plus y = b। कर दिया हमने पुट, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 30a + 29b = 7, और दूसरी हो जाएगी 21a + 21b = 5। इतना है सर। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, इलिमिनेशन से सोल्व करने के लिए दोनों इक्वेशंस को इक्वल करेंगे। तो हम कौन सी वैल्यू को इक्वल करते हैं, बी को इक्वल कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये ही इजी पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को तो किससे, 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको 29 से, ठीक है, सॉरी ये 28 था भाई, इधर 28 से, क्वेश्चन में 28 था ना, तो इधर हमने 28 से कर दिया। तो ठीक है, स्टेटमेंट लिख लेना भाई अपने आप, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं। तो हम पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं 30 वाली को, तो आएगा हमारा 30 को हमने मल्टीप्लाई किया 21 से, यानी इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 21 से, और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 28 से। तो इसको 21 से पहले ही मैंने मल्टीप्लाई करके रख लिया था, 630a + 588b + 147, ये आ जाएगा। और इसको अगर 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मैंने पहले ही कर लिया था, 588a + 588b, मतलब b बड़ा था, और मतलब ये सॉरी इक्वल से उस साइड में था 147, और ये 5 को 28 से किया तो आया 140। ठीक है, अब हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 कट गया। अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया तो आया हमारा 42a, और इधर माइनस किया तो 7, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 7 upon 42,
7 6 42 1/6 ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/6 ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, कौन सी भी इक्वेशन में पुट कर दो ठीक है। अब ए की वैल्यू पुट करते हैं और फिर हम बी की निकाल लेंगे, तो ऐसे बी की आ जाएगी हमारी 1/14, ट्राई करके देखना अपने आप ठीक है, 1/14 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वापस से जो बताने का प्रोसेस है, ए हमने किसके इक्वल लिया था, 1/(x-y) के इक्वल ए लिया था, तो ए की वैल्यू कितनी है 6, यानी अब इक्वेशन हमारी एक और बन गई x-y = 6। और ऐसे ही बी किसके इक्वल लिया था, 1/(x+y) के इक्वल लिया था, जो आ गया हमारा 1/14, तो x+y = क्या आ गया 14 ठीक है। अब इन दोनों को फिर से आपस में सोल्व करना है ठीक है, तो इसको इधर लिख लेते हैं x-y = 6, काटेंगे 2x और 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 हम इधर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा y की वैल्यू, y की आ जाएगी हमारी 4, तो x की वैल्यू तो आ गई 10 और y की कितनी आ गई 4 ठीक है। इस तरह से सोल्व करना है, ट्राई करके देखो अपने आप, मतलब जो बीच का पार्ट रह गया b की वैल्यू वो निकाल लेना ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे।